जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है भाई साहब। अब जो है ना तबाही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एडवांस बुकिंग की जो पीक है ना अब यहाँ पहुंच चुकी है। जो एडवांस बुकिंग बहुत स्लो स्टार्ट हो रही थी, जो हेटर्स बहुत जज कर रहे थे कि यार ये मूवी जैसे सलमान खान की पिछली मूवी जाई है, किसी का भाई किसी की जान, राधे अंतिम, जो पिट गई हैं वैसे ही ये पिटने वाली है। और भाई गॉड, एक बार के लिए देख के लग भी रहा था कि यार शायद इसका भी हाल वैसा ही ना हो जाए कि ये भी मूवी पिट जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करने की कगार पर ये बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, क्योंकि पठान ने क्या किया था, एडवांस बुकिंग में ही 1 मिलियन प्लस के आसपास टिकट बेचे थे, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि सिर्फ हिंदी 2D स्क्रीन से ही ये लोग 1 मिलियन टिकट आराम से सेल कर सकते हैं, और बाय गॉड ये करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि अभी पूरा 10 तारीख बची है, अभी पूरा दिन बचा है, और उसके बाद रात बची है, उसके बाद 11 तारीख बचा है, और दिन एंड देन रात पूरी बची है। तो भाई ये 2 दिन में ना घंटों घंटों में जो आंकड़े बदलते नजर आएंगे आपको, जैसे अभी आप 2000 देख रहे होंगे, देन आप उसका डबल देखने वाले हैं। तो इस टाइप से रुझान चल रहा है, और लास्ट में बुकिंग बहुत हाई होती है, और जो प्रमोशन वायरअप वाले कर रहे थे उसका अभी ना फायदा भी मिल रहा है। सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, अभी तक कितने टिकट बेच दिए हैं, कितना इनके हाथ अभी तक लग चुका है, और कितना ये कलेक्शन कर सकते हैं, क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में, और फर्स्ट डे की क्या ओपनिंग रह सकती है इस मूवी की। तो सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बुक माई शो इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। भाई साहब ऑसम ऑसम नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मैं पठान का बताऊं तो पठान का लाइफ टाइम बुक माई शो इंटरेस्ट रेट आई थिंक 550,000 या फिर 600,000 के आसपास था, लेकिन बुक माई शो इंटरेस्ट रेट अभी टाइगर 3 का हो चुका है 486,000, इट मीन्स ये 486,000। भाई सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक 490 भी हो सकता है, और एंड ऑफ दिस डे इवनिंग के टाइम तक मुझे लग रहा है कि 500,000 का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। बात करते हैं 2D हिंदी से कितना हाथ लगा है भाई साहब, 400,000 प्लस एडवांस में टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं इन लोगों ने, तबाही देखने को मिल रही है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि, और यही आंकड़ा इस शाम तक अगर देखा जाएगा या रात तक देखा जाएगा तो 400,000 से 600,000 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2D हिंदी सिंगल स्क्रीन से इन्होंने 13,000 प्लस शोज अपने खाते में रख लिए हैं। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 50,000 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन इन्होंने अभी कर दी है, और सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जबकि हिंदी आईमैक्स और 4DX में बहुत हाई टिकट होते हैं, और वायरअप प्रोडक्शन हाउस हमेशा इन टिकट के प्राइस बहुत महंगे ही रखता है। उसके हिसाब से देखें तो ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। अभी उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है जैसा कि पठान और जवान के टाइम पर देखने को मिला था IMAX और 4DX से, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी 12 नवंबर को, उसके बाद जब मूवीज़ के रिव्यू आउट होंगे और मूवी के रिव्यू पॉजिटिव आउट हो गए तो देखना फिर खचाखच जो माहौल भरेगा सेकेंड डे थर्ड डे, क्योंकि देखो 12 नवंबर को तो दिवाली है, उस टाइम में भी हो सकता है लोग कम ही जाएं, क्योंकि घर में ही लोग सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, बट उसके दूसरे दिन में लोग फ्री रहेंगे, छुट्टी रहेगी, और उसके तीसरे दिन भी छुट्टी रहेगी, भाई दूज वगैरह का जो हॉलीडे पड़ेगा, तो भाई वहाँ पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स इन्हें देखने को मिल सकता है टाइगर 3 को। हिंदी IMAX की बात करें तो 50,000 की बुकिंग इन्होंने ले ली है, 8,000 प्लस टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। हिंदी 4DX से लगभग 12,000 की एडवांस बुकिंग इन्होंने ले ली, और टिकट के प्राइस मैं आपको बताऊंगा 900,000 ऐसे देखने को मिल रहे हैं, बहुत हाई प्राइस होती है यहाँ पर, और 1,950 से ऊपर इन्होंने टिकट बेच दिए हैं 4DX से। हिंदी आइस वर्जन की बात करें तो बहुत कम रेस्पॉन्स है, स्लो है, बहुत स्लो है, मे भी हो सकता है इस शाम से ये और ज़्यादा रेस देखने को मिल जाए और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो 7,000 की बुकिंग सिर्फ हिंदी आइस वर्जन से ले रखा है। तेलुगु से कितना हाथ लगा भाई, सॉलिड देखने को मिल रहा है, रेस्पॉन्स तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि साउथ में ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, चल रहा है, मूवी अभी भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तेलुगु से 12,000 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के हाथ में आ चुकी है, और 12,800 प्लस के आसपास इन्होंने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो भाई सॉलिड सॉलिड रिस्पॉन्स से देखा जाए तो साउथ में, तमिल से अभी बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिला, आई थिंक 45,000 या फिर 50,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है तमिल वर्जन से। तो टोटल अभी तक बताऊँ तो टोटल कितने टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं अभी तक, 4,23,000
500 टिकट भाई, ये है सॉलिड तबाही, क्योंकि यही नंबर में भी हो सकता है कल सुबह तक 8 लाख पहुंच जाए, और इजीली पहुंच गया क्योंकि इस टाइम पर रैपिड फायर राउंड से जो बुकिंग चलती है सॉलिड बुकिंग चलती है। तो अभी बहुत रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, अभी अच्छी खासी बुकिंग चलती रहेगी, शाम तक हो सकता है 6 लाख टिकट बुक हो जाएं, और डेफिनेटली हो जाएंगे क्योंकि ये लास्ट टाइम है और इस टाइम पर बहुत तेजी से बुकिंग चलती है, और प्रमोशन के मामले में YRF ने कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़ी भी नहीं थी, दैट्स वाई कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स उन्हें अब देखने को मिल रहा है। तो भाई मुद्दे की बात पर आते हैं कि इन्हें कितना हाथ लगा है अभी तक। भाई साहब 11.5 करोड़ से ऊपर इन्होंने अपने खाते में ले लिया है एडवांस कलेक्शन के मामले में। तो आप लोगों की क्या राय है, ये मूवी कितनी कलेक्शन कर सकती है फर्स्ट डे में, क्या ओपनिंग रह सकती है, और कौन कौन पहला शो देखने जा रहा है, और कौन कौन कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।